Hey guys, welcome back to my channel. आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है. I am going to make this video in Hindi and in English, combo of Hindi and English because I have lot of subscribers. They keep on asking me to make Hindi videos, and there are so many subscribers who are saying that you know if you are not going to make videos in English anymore, I have to unsubscribe you. So I do not want to lose any of my subscribers, any of my followers, any of my family members. So I will be making this video in Hindi and in English together. Let's get started. तो दोस्तों, जब से मैंने वो माइक्रो नीडलिंग वाला वीडियो बनाया है, उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया है कि कोई क्या यही इलाज ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में. और बहुत सारे छोटे छोटे गांव शहरों से लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि किस तरह से डिसाइड किया जाए कि ये जो ट्रीटमेंट है वो एकदम परफेक्ट है, और कितने पैसे का है, कितना एक्सपेंसिव है. तो उन सब सवालों को लेके जब मैंने सोचा तो बहुत ज़्यादा इस मामले में और रिसर्च करनी चाहिए और मुझे निकलना चाहिए कुछ ऐसे सवाल सॉल्यूशंस के साथ में, मुझे कुछ ऑप्शंस के साथ में लोगों के सामने आना चाहिए जो कि हेल्प करें उन लोगों को भी जो इस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके पास की बात नहीं है, या फिर वो उनके शहर में अवेलेबल नहीं है. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया तरीका, एक और नया ऑप्शन, एक और नया ट्रीटमेंट जो कि आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा पैसे का ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है. आप ईजीली इस टूल को अपना अमेज़ॉन अकाउंट से मंगा सकते हैं, और अमेज़ॉन जगह जगह, गांव गांव, घर घर जाकर डिलीवरी करता है. एंड इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है. मैं उसका लिंक, अमेज़ॉन का लिंक अपने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. इसे कहते हैं डर्मा रोलर. ये बिल्कुल माइक्रो नीडलिंग जैसा ही टूल है, लेकिन इसमें सिर्फ यही अंतर है कि ये जो टूल है वो बहुत ही ज़्यादा कम इंटेंसिटी वाला टूल है. तो जिस तरीके से माइक्रो नीडलिंग का जो पेन होता है उसमें बहुत सारी सुइयां होती हैं जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से चलती हैं, जब आप उसका बटन स्विच ऑन करते हैं तो वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से, जिस रफ्तार से आप सिलाई मशीन सोच लीजिए, सिलाई मशीन जिस रफ्तार से चलती है उसी रफ्तार से वो पेन चलता है. और जब आप उसको घुमाते हैं अपने चेहरे पर तो वो छोटे 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 आपके चेहरे की स्किन के सेल्स को पंक्चर करता है. तो ये बिल्कुल सिमिलर ही है. इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी छोटी 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 सुइयाँ हैं, और इस रोलर की मदद से ये सुइयाँ आप अपने चेहरे पर रोल ऑन करते हैं, या फिर गढ़ाते हैं, या फिर फहराते हैं. तो ये एक तरीका है वापस वही टेक्निक यूज़ करने का कि आपको अपने स्किन के सेल्स को पंचर करना है. तो जैसा कि आपने अभी चार्ट देखा, उस चार्ट के अनुसार आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप सुई का कितनी लंबाई है, कितना एमएम लंबाई है, ज़्यादातर एमएम में की लंबाई के हिसाब से आता है ये. तो शुरुआत होती है 0.5 mm से और ये जाता है 2.5 mm तक. तो आप शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब आप एक कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग लंबाई वाली सुइयों के डर्मा रोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जब आप शुरुआत में, जब आप पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 0.5 mm की सुई वाले डर्मा रोलर के साथ में शुरुआत करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज़ टू होते जाएं, आपकी स्किन एडजस्ट होती जाए, आप उसकी सुइयों का साइज़ बढ़ा सकते हैं, और आप उसको 1 mm, 1.5 mm, 2 mm और 2.5 mm तक लेकर जा सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से ये हमारी स्किन के दाग धब्बों, मुहासों, झाइयों, कील मुहासों को दूर करने में हमारी मदद करता है. बहुत हद तक ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, या फिर हफ्ते में कम 3 बार डर्मा रोलर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको 3 महीने या 4 महीने के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. तो शुरुआत के लिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से इस डर्मा रोलर को अपने चेहरे की स्किन पर फिराना है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. जब आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए, सिलाई मशीन जिस तरह से कपड़े में छेद करती हुई जाती है बहुत ही स्पीड के साथ, उसी तरीके से आप अपने चेहरे के सेल्स को पंक्चर कर रहे हैं. जैसे ही वो सेल्स पंक्चर होते हैं तो हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज पहुंचता है कि हमारे चेहरे पर कहीं चोट लगी है.
तो हमारी बॉडी जो है डिफेंसिव मोड में चली जाती है। इस मोड में ब्रेन में ये मैसेज जाता है कि हमें चोट लगी है, और हमारा ब्रेन कोलाजन पैदा करने में मदद करता है। कोलाजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सिक्रीट होता है, जिससे कि हेल्प होती है सेल डिवीजन में। जब सेल रेप्लिकेट करने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई चोटों के निशान में कुछ दिनों के बाद एक नई स्किन आनी शुरू होती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। एक बार चोट लगने के बाद अब जब आप पंक्चर करते हैं अपने सेल्स को, तो एक नई स्किन आती है और पुरानी स्किन झड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाते हैं और आपके मार्क्स बहुत ही हल्के हो जाते हैं। और जब मार्क्स हल्के हो जाते हैं, पिगमेंटेशन कम हो जाता है, तो हमारी स्किन बहुत ही ग्लोई और खूबसूरत दिखती है। जब स्किन केयर की बात आती है, तो हमें बहुत ज़्यादा हाइजीन रहना ज़रूरी है। तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो आप इसे धोकर डिटॉल के पानी से अच्छी तरह से धो दें, या फिर अल्कोहल ले लें, अल्कोहल स्प्रे करें यूज़ करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद। और उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी आपको इसको शेयर नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि ये नीडल्स इन्वॉल्व हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेल्स पंचर होते हैं और खून भी निकलने की संभावना होती है। तो जब खून इन्वॉल्व है और ये सुइयाँ इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया आप इसे अपने किसी भी चाहने वाले के साथ में नहीं शेयर करें। आप अगर आपको मदद करनी है किसी की, तो आप उनके लिए एक नया रोलर मंगा सकते हैं, पर अपना रोलर कभी किसी के साथ शेयर ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये इसको स्टोर करना बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है। तो आप जब भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद में आप वापस उसे धो के साफ़ करके उसे वापस रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मैंने अपने हाथ के पीछे फिराकर देखा है कि ये कितना पेनफुल है। उसके बाद में मैंने एक जग में पानी लिया, साथ में डिटॉल डाला है और उसे 2 से 3 मिनट भीगे रहने दिया है। उसके बाद साफ करके मैंने इसे रोल करना शुरू किया अपने चेहरे पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने चीक्स यानी कि गालों पर नीचे से अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक लगा रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने दोनों तरफ अंदर से बाहर की तरफ, कान की तरफ मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। एंड और उसके बाद थोड़ी और गले पर भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। उसके बाद माथे पर भी नीचे से ऊपर, आईब्रो से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और जब आप डर्मा रोलर कर रहे हैं, तो जब भी आप फिरा रहे हैं, तो इतना ध्यान ज़रूर रखें कि एक सेक्शन पे जब आप फिरा रहे हैं, तो आप उसी सेक्शन पे फिराएं और उसकी डायरेक्शन या जगह चेंज ना करें। ऐसा करने से आपके स्किन पर स्क्रैच पड़ सकता है और सुइयाँ आपको चोट पहुंचा सकती हैं, जो कि आप नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप मैंने एक सेक्शन पे सबसे पहले डर्मा रोलर फिराया 4-5 बार। उसके बाद में मैंने डर्मा रोलर उठाकर दूसरे सेक्शन में रखा और उसके बाद मैंने वहाँ पर रोल करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से आपको ऐसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक करना है। आपकी स्किन हल्की सी रेड होएगी शुरुआत में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अच्छा देखा गया है कि बहुत अच्छे से काम करता है कि अगर आप वाइटमिन सी सीरम या फिर हेलोरॉनिक एसिड सीरम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आप डर्मा रोलर इस्तेमाल करें, तो वाइटामिन सी सीरम ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो आपको कोलेजन पैदा करने में बहुत मदद करता है। और उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो कभी सनस्क्रीन लगाना कभी ना भूलें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, एक अच्छा डिफरेंस अपनी स्किन में देख सकते हैं 2 से 3 महीने के बाद। एक बार जब आप इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आप एक डर्मा रोलर को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ही आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो रही है, तो आपकी ड्राई स्किन को श्रेड करने में या फिर उसको उसको निकलने में टाइम लगता है। तो वो जो प्रोसीजर स्टार्ट हो, तो आप डर्मा रोलर इस्तेमाल करना बंद कर दें, और उसके बाद जब आपकी स्किन नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाए, तो आप वापस उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। डर्मा रोलर बहुत ही लाभदायक होता है मुहासों के कम करने में, झाइयों को कम करने में, आपकी स्किन को ग्लो प्रदान करने में। बहुत ही चमक आती है, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन लगती है और एक सार हो जाती है, पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाता है।
मैं इस डर्मा रोल को रोलर को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, और मैंने सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, मैंने बाकी और बहुत से लोगों के ऊपर ये डिफरेंसेस देखे हैं कि बहुत सारे लोगों को इस डर्मा रोलर को लंबे समय तक इस्तेमाल करने पे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। उसके अलावा मैं और ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप विटामिन सी सीरम आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी बजाय एलोवेरा जेल, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर किसी के घर में पौधा लगा होता है, आप बस एलोवेरा जेल का पत्ता लें, उसका जेल निकाल कर अपने चेहरे पर लगाएं, हमेशा लगाएं डर्मा रोलर इस्तेमाल करने से पहले और बाद में, तो ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा आपकी स्किन को क्लीन करने में, साफ़ सुथरा करने में, एक सर बनाने में और एक्ने और पिंपल फ्री बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज़ अभी मैं आने वाली हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, जो कि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, अब तक के लिए बस इतना ही। और हाँ जी, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए, अपनी कम्युनिटी को हेल्प कीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, आई लव यू ऑल।